Hello students, in this video I am going to teach you about government. मैं आपको इस वीडियो में गवर्नमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी बताने जा रहा हूँ गवर्नमेंट किसे कहते हैं. ओके, आइए सीखें गवर्नमेंट क्या है. अ गवर्नमेंट इज द सिस्टम बाय विच अ कंट्री और स्टेट और अ कम्युनिटी इज कंट्रोल. यानी गवर्नमेंट वैसे सिस्टम को कहते हैं जो किसी कंट्री या किसी स्टेट और या फिर किसी कम्युनिटी पर हुकूमत करता है, यानी उसे कंट्रोल करता है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स. यानी इसमें लेजिस्लेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स शामिल हैं. यानी इन तीनों को मिलाकर ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. यानी गवर्नमेंट के ये तीन ऑर्गन हैं, अंग हैं, पार्ट्स हैं. ओके, अब आप ये भी जाने लेजिस्लेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स कहते किसे हैं, यानी इनका क्या काम है गवर्नमेंट में. ओके, तो आप जान ले गवर्नमेंट में लेजिस्लेटर्स का काम है लॉ बनाना. यानी लेजिस्लेटर्स लॉ बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स उस लॉ को इम्पोज कराते हैं यानी लागू कराते हैं, एंड आर्बिट्रेटर्स देखते हैं कि बना हुआ लॉ सही है या नहीं, और या फिर लॉ सही तरह से इम्पोज हुआ है या नहीं. अगर लॉ सही नहीं है यानी इल्लीगल है तो उस लॉ को रिजेक्ट करने का आर्बिट्रेटर्स को राइट है, वे उस लॉ को रिजेक्ट कर देते हैं. और या फिर अगर ठीक तरह से इम्पोज नहीं हो रहा है तो उसे ठीक तरह से इम्पोज करने का ऑर्डर पास करते हैं. ओके, तो आपने जान लिया कि गवर्नमेंट में इन तीनों ऑर्गन्स के क्या काम है, यानी लेजिस्लेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स का क्या फंक्शन है. ओके, इट हैज़ मेनी फॉर्म्स. यानी गवर्नमेंट के कई फॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट कई फॉर्म में होते हैं. ओके, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मोबाइल के डिस्प्ले पे, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप. ये गवर्नमेंट के फॉर्म हैं, यानी गवर्नमेंट अलग अलग फॉर्म में होते हैं. किसी कंट्री में डेमोक्रेसी के फॉर्म में गवर्नमेंट होता है, किसी कंट्री में मोनार्की के फॉर्म में, एंड किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप के फॉर्म में होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप क्या है. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट के बारे में बताया जाएगा गवर्नमेंट क्या है. लेकिन अगर आपको जानना है इसके फॉर्म के बारे में भी, यानी आपको जानना है डेमोक्रेसी क्या है, मोनार्की क्या है एंड डिक्टेटरशिप क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप के वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख लेंगे. ओके, एंड आगे देखते हैं. इट हैज मेनी फंक्शंस, यानी गवर्नमेंट के कई फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट्स को कई वर्क करना होता है, गवर्नमेंट की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसे वो करता है और इसीलिए गवर्नमेंट की जरूरत भी होती है. तो आइए देखें गवर्नमेंट का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उसके वर्क है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, यानी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है. ओके, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा होता है तो फिर वो एक्शन लेता है. इट प्रोवाइड्स सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है.
इट मैनेज फॉरेन रिलेशन, यानी यह फॉरेन रिलेशन को मेंटेन रखता है। अगर कहीं से रिलेशन डैमेज हो रहा होता है तो उसे मेंटेन करता है, यानी उसको सही करने की कोशिश करता है। इट क्रिएट्स पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी को भी क्रिएट करता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। इट मेंटेन्स इकोनॉमी, और यह इकोनॉमी को भी मेंटेन करता है, यानी कोशिश करता है कि इकोनॉमी इम्प्रूव हो। तो आपने देख लिया गवर्नमेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से फॉर्म हैं, एंड गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन हैं। आप इस वीडियो में सिर्फ गवर्नमेंट क्या है यही नहीं जाना, बल्कि इसके ऑर्गन, इसके फॉर्म्स को के नाम को भी जान लिया, एंड इसके फंक्शन को भी आप जान गए। तो आई होप कि आप जान गए होंगे ये सारी चीज़ें। और अगर आप जानना चाहते हैं डेमोक्रेसी क्या है, मोनार्की क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर देख लें। अगर ये वीडियो पसंद आता है, समझ में सारी बातें आ जाती हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाले न्यू वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ओके?